ये बोलते हैं कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। अब हमें क्या करना है, दोनों एडजेसेंट ट्रायंगल्स दिखानी है, ए ओ बी एंड ए ओ डी दिखाएंगे। तो लेंगे ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। राहुल बेटे ये लिखना बंद कर दे, आराम से बैठ के समझ ले। ट्रायंगल ए ओ बी और सी ओ डी के अंदर देखिए, अब ये दोनों इक्वल हैं, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, दैट्स गिवन। ओके, एंगल थ्री ले लो इसको, एंगल टू इज इक्वल टू एंगल थ्री, ईच 90, ईच 90 डिग्री, एंड ओ ए इज इक्वल टू ओ ए कॉमन, ओ ए इज इक्वल टू ओ ए कॉमन। तो बाई साइड एंगल, साइड कॉन्ग्रेंस रूल लिख देंगे इसको, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल, ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल सी ओ डी होगी कॉन्ग्रेंट। यहाँ से हम लिखेंगे कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू ए डी, ये नंबर टू। इसको भी सी पी सी टी लिखेंगे, सी पी सी टी, और पहले भी क्या थी, सी पी सी टी। ओके, दोनों बाय वन एंड टू हम कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। सारी साइडें क्या होगी, सारी साइडें क्या हो गई हमारी, इक्वल हो गई हैं। ठीक है, तो ए बी सी डी क्या बन गई, इज ए रोम्बस। ए बी सी डी हमारी क्या हो गई है, रोम्बस बन गई है। समझ आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर क्या कहता है, शो दैट, ये रहा क्वेश्चन नंबर फोर, देखिए, शो दैट डायगनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। स्क्वायर जो है उसके डायगनल इक्वल होंगे और बाइसेक्ट करेंगे राइट एंगल्स पे। और क्वेश्चन नंबर फाइव बिल्कुल इसका उल्टा है, शो दैट डायगनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट इफ, सॉरी, so that if diagonals of a quadrilateral are bisect each other at right angles, then it is a square. Fourth question में square दे रखा है, diagonals को equal और bisect right angle पर दिखाना है। और fifth question में उल्टा है, दे रखा है diagonal equal हैं और bisect करते हैं, square दिखाना है। Okay, देखिए question number four और five में homework दूंगा फिर। Question number four में क्या करना है, भैया आपको दे दिया ये एक square है, given ए बी सी डी इज ए स्केयर। ए बी सी डी क्या है हमारा, एक स्केयर है, यानी इसकी चारों साइडें इक्वल हैं भैया, चारों एंगल राइट एंगल्स हैं। ओके, प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ए सी इज इक्वल टू बी डी, और ये एंगल्स क्या हैं, राइट एंगल हैं। ठीक है, ए सी इज इक्वल टू बी डी, और बाइसेक्ट भी करता है, यानी ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, बी ओ इज इक्वल टू ओ डी, ये भी प्रूव करना है, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, बी ओ इज इक्वल टू ओ डी।